नमस्कार, जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। लखनऊ से बड़ी खबर, संस्कार सेवा समिति द्वारा स्थान रेल नगर मैदान सेक्टर जे आशियाना बंगला बाजार लखनऊ 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक श्री माननीय जालिम सिंह जी के अथक प्रयास से व लोक कला भारतीय राष्ट्रीय प्रमाणित रामलीला मंडल के द्वारा तृतीय विशाल रामलीला एवं दशहरा मेला का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय पदाधिकारी व अतिथिगण माननीय महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश खन्ना, पार्षद विद्यावती प्रथम श्री कौशलेन्द्र द्विवेदी, पार्षद विद्यावती द्वितीय की श्री विमला तिवारी, पार्षद विद्यावती तृतीय श्री कमलेश सिंह, पार्षद श्री सर्वजीत सिंह, पार्षद श्रीमती बीना रावत, पार्षद श्री विनोद मौर्य, पार्षद श्री मान सिंह, श्रीमती रंजना मिश्रा, समाज सेविका श्री नितेश कुमार, मंडल कोषाध्यक्ष भाजपा श्री आर एस दुबे, सेक्टर संयोजक श्री शालू सरदार एवं अन्य भक्तगण व क्षेत्र के सभी सम्मानित गण उपस्थित हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। जेएनआई न्यूज के परिवार की तरफ से आप सभी भाइयों और बंधुओं को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय मैं खड़ा हूँ आशियाना के सेक्टर जे में, यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है और आप हमारे साथ बने रहिए जे नाइन न्यूज के साथ। किया लेकिन जो फिर तुमने किया है तुम उस पेड़ के प्रति क्या कार्य कर रहे हो मुझको बताओ। अब उस कार्य में विलंब नहीं हुआ। हमारे जितने भी सेना है, बानर भालू है, सभी ध्यान देकर के सुनो। एक महीने की अवधि दे रहा हूँ। एक महीने की अवधि में माता जानकी का पता लगना चाहिए। अगर पता लगा करके नहीं आए तो उन्हें प्राण दंड मिलेगा, और जो पता लगा करके आएगा उनको मधुर मधुर फल इच्छा के अनुसार मिलेंगे। सुप्रीम आदेश दे दिया और ये प्रभु श्री राम का कार्य है। प्रभु के कार्य में सभी लोग जुट जाए। और मैं आज कल से जितने भी बाल और भालू है निवेदन कर रहा हूँ कि तन से मन से धन से कर्म से वचन से प्रभु की सेवा में हमको तत्पर रहना है। बस मुझे यही कहना है। एक हंसी जा रहा हूँ मेरी याद क्या हनुमान तुम भी सीता की खोज में जा रहे हो तो ये उनकी मंत्र का ले जाओ। वह जहाँ भी तुमको मेरे ये मंत्र को उनको दूंगा, उनको मेरा स्वर आ जाएगा। भाई तुमको हमने मारा है। क्या कहा भगवान? तुमने मुझे मारा है? हाँ, मेरा कोई कसूर? क्या कहा भगवान? तुमने
ने मारा है। सुप्रीम के घर पर संरक्षक, क्या तुमने ही इसे उबारा है? इन पेड़ों के पीछे छुपकर मुखबीर को तुमने मारा है। सुप्रीम मित्र और बाल पत्र, ये कैसा न्याय तिलक है? ये खुद के लायक होते दो, कुछ करने का क्या वाली ही। हमारी और सुप्रीम की मित्रता हो गई है, और मित्र का यह धर्म होता है कि एक मित्र दूसरे मित्र के दुख का निवारण करे। मैंने सुप्रीम की सहायता की है, इसी कारण से मैंने तुम्हारा वध किया है और सुप्रीम के दुख का निवारण किया है। क्षेत्रीय पार्षद कमलेश जी जो बराबर मुझे फोन करके बताते रहते हैं कि आपको कराया मिल जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम इधर बहुत सारे थे और लगातार पूरे शहर में रामलीला चल रही है। उन रामलीला के इसमें पहले भी मुझे आना था, उस दिन लेट हो जाने के कारण कार्यक्रम राजपाल जी के यहाँ कार्यक्रम लग गया और उसमें नहीं आ पाई थी, तो आज मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। और प्रतिवर्ष मैं यहाँ पर आती हूँ, पिछली बार तो कोरोना के कारण रामलीला नहीं हो पाई थी, लेकिन उससे पहले बराबर रामलीला में मैं बराबर यहाँ पर आती हूँ। और एक बहुत सब जगह रामलीला धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन आप इस परंपरा को, मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इस परंपरा को बराबर चला रहे हैं। कोरोना काल में पिछली बार कोरोना के कारण नहीं हुआ, लेकिन आप हमेशा अपनी परंपरा को निभा रहे। इस परंपरा को निभाते हुए हम सब लोगों के, हमारे बच्चों को रामलीला के माध्यम से हमारे रामायण के चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है और हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलती है उससे, और हमारी परंपरा का निर्वहन भी होता है। और इस बार तो लोग कम है, लेकिन पिछली बार बहुत बड़े स्तर से आपने किया था। इस समय कोरोना के कारण आपको बहुत बड़े स्तर से नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। हम सब लोगों को उसकी भी चिंता करनी है। पहली वेव में हम लोगों को किसी परेशानी नहीं होती, लेकिन जब दूसरी वेव आई तो सब हमने जाना कि कोरोना के हमें जो बहुत लोगों को हमारे बीच से चले गए, छोड़कर चले गए कोरोना के कारण, कोरोना का इतना तेज प्रभाव था। और अब वैक्सीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने वैक्सीन हम लोगों के भारत में, जहां विदेशों में वैक्सीन ऑन पेमेंट लगाई जा रही है, भारत में उसको प्रधानमंत्री जी ने फ्री किया हुआ है। और हम सब लोगों को तीसरी वेव आने से पहले सबको लगा लेना है, और मुझे लगता है कि सबने लगवा लिया होगा, क्योंकि कैंप बहुत अच्छी तरह से जहां कैंप लग रहे हैं, लोग भीड़ वहां पर आ रही है। उसके बावजूद भी यहाँ अगर किसी ने न लगवाई हो तो अवश्य लगवाए, हमारे लिए इससे और कुछ भी नहीं है। जो जिन लोग दूसरे वेव में हमने देखा कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई थी उनको या तो कोरोना नहीं हुआ, और अगर हुआ तो बहुत माइल्ड हुआ। तो यही एक उपाय है कि हम अपने आप को बचाएं, और कोरोना में आपने इस परंपरा को निर्वहन करने के लिए कोरोना से बाहर निकल कर भी अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया। मैं टीम Thank you.
धन्यवाद सर आपको। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, आप नाम बताइएगा सर। सर मेरा नाम आशीष वर्मा है, मैं संस्कार समिति का सदस्य हूँ और मैं आने वाली पीढ़ी के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि 9 दिन तक हमारा यह कार्यक्रम चलता है प्रतिवर्ष। मैं अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि इस वर्ष तो चलिए कोई बात नहीं, मगर आने वाले नए वर्ष से अभिभावक गण सिर्फ इतना करें कि अपने बच्चों को ला के हमारे मंच के माध्यम से रामलीला का सारा संवाद सिखाएं और जितने भी किरदार हैं उन सबको साक्षात रूप से देख सकें, तो अपने आप उनके अंदर जो है अपनी क्षमता बढ़ेगी, उनको राम के बारे में जानने को अपने आप मिलेगा। तो ये समिति जो हमारी है वो ये जो लीला करा रही है सिर्फ इसलिए करा रही है कि बच्चे आएँ और साक्षात देखें। टीवी मोबाइल का दोष तो देना सब देते हैं, मगर हम जो करा रहे हैं 9 दिन की रामलीला वो सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि वाकई में अभिभावक लोग आएँ। इस वर्ष जो नहीं आ पाए कोई बात नहीं, मगर प्रत्येक वर्ष जो हम लोग ये लीला करा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि आके लोग देखें। तो बस मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अगले वर्ष से यहाँ पे आके उपस्थित हो और पक्का ज्ञान मिलेगा बच्चों को, इस बात की मैं भी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि जो हमारे जो भी कलाकार हैं सब मथुरा वृंदावन के हैं, सब मजे हुए हैं, सबको 30-30 साल का लमसम अनुभव है, तो उससे बिल्कुल जाहिर सी बात है बच्चों के अंदर कोई ना कोई नई प्रेरणा आएगी। बाकी मेरे अध्यक्ष महोदय हैं ये कहेंगे। अभी आप संस्कार समिति देख रहे थे, अब आइए अध्यक्ष महोदय से बात करते हैं कि कैसा आप। जी सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का साधुवाद देना चाहूँगा जो आपने ये सोचा कि इसको कवर किया जाए। साल में 9 दिन का या दशहरा अगर 10 दिन का होता है तो रामलीला के माध्यम से, और इसके अलावा संस्कार समिति जो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ लोग निकाल के पेड़ों के पास रख देते हैं दीपावली के अगले दिन, तो वो हम 1-1.5 हफ्ते में पूरा एरिया का लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ इकट्ठा करके और उसको विसर्जित कराया जाता है, और भी संस्कार से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें जो हमें दिखती हैं हम लोग करते हैं। इसके साथ कोविड में हम लोगों ने लंगर भी चलाया था और बढ़िया सहयोग है आसियाना के पूरे क्षेत्रवासियों का कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले बहुत डर लगता है, चूँकि सब नॉर्मल परिवार से हैं, एक अच्छा खासा रकम लग जाता है, कैसे होगा, चंदा हम लोग नहीं मांगते हैं, जो अपनी श्रद्धा से जो अपने जानने वाले हैं जैसे दे दें उसी हिसाब से काम किया जाता है। लेकिन बाबा नीम करोरी हनुमान जी और आप सबके आशीर्वाद से प्रोग्राम हर प्रोग्राम हमारा सफल हुआ है और ये 3रा साल है, और अगर आप लोगों का सहयोग रहा ऊपर वाले ने चाहा तो ये इसी तरह से हर साल बढ़ चढ़कर संस्कार समिति आप सबके लिए रामलीला और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम कराती रहेगी। ऐसे दे दें उसी हिसाब से काम किया जाता है, लेकिन बाबा नीम करोरी हनुमान जी और आप सबके आशीर्वाद से प्रोग्राम हर प्रोग्राम हमारा सफल हुआ है और ये 3रा साल है, और अगर आप लोगों का सहयोग रहा ऊपर वाले ने चाहा तो ये इसी तरह से हर साल बढ़ चढ़कर संस्कार समिति आप सबके लिए रामलीला और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम कराती रहेगी। सर इन 3 साल में आप जो कार्यक्रम करवा रहे हैं इसमें क्या क्या परेशानी आई और आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी, उसका जमीनी विवाद। परेशानियां सर हर प्रोग्राम में अलग अलग परेशानी आती है, कुछ तो आजकल आदमी लाइफ में इतनी बिजी हो गया है अपने कि वो मतलब अपने बाकी सारे काम करेगा और बाकी सांस्कृतिक काम के लिए
कई चीज़ों का वो लगा देगा, ऐसा नहीं होगा, परमिशन नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस तरह के लोग बहाना भी बनाते हैं इस संस्था से जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है हम लोगों को, कहीं शहर में अब ज़मीन नहीं बचा जहाँ पे इस तरह के कोई प्रोग्राम को किया जा सके। बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके, अभी तो ये चिरंजीवी भारती स्कूल का है, वहाँ से रिक्वेस्ट करके इस साल हुआ है ये ज़मीन, अगले साल हनुमान जी चाहेंगे कहाँ होगा। लेकिन सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि कॉलोनियाँ जिस हिसाब से बस रही हैं उस हिसाब से सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए और बच्चों को खेलने के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए जगह का बंदोबस्त होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, हर तरह की इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि एक आदमी लाइफ जो पहले ठीक से जीता था उस तरह से जी सके। पहले रोटी कपड़ा मकान ही ज़रूरत थी इंसान को, लेकिन अब ये 3 से 6 हो गया है, शिक्षा स्वास्थ्य और मनोरंजन। और मनोरंजन में जो मोबाइल है, ये मोबाइल हमें जितना फ़ायदा नहीं देता है उससे ज़्यादा हमारा नुकसान करता है। इस तरह का प्रोग्राम होना ज़रूरी है जो मंच के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से जो बच्चों के दिलों में घर करता है, उस तरह का कहानी हमें या का दिखाना चाहिए या कहना चाहिए बच्चों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिस हिसाब से नाम है संस्कार थी, वह कार चारों तरफ फैलाना चाह रहे हैं, बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि बच्चे आज के जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको जाने, ना कि पेरेंट्स जो है आप दिन भर मोबाइल टीवी में लगे रहते हैं, जबकि बच्चों से पूछा जाता है कि राम में कितने भाई थे किसी को नहीं मालूम चलता है। बहुत कम लोग हैं जिसको बता सकते हैं कि राम के 4 भाई थे, लेकिन जो हमारी संस्कार समिति है वो हमारी इस संस्कृति को आगे तक ले जाना चाहती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि एक ऐसी जगह बना दी जाए जहां पे हर साल संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन हो सके। नमस्कार, आप बने रहिए जेएनआई न्यूज के साथ। राम सिंह से जानेंगे कि यहाँ जो रामलीला मैदान में रामलीला चालू हो रही है, हुई है, इसके बारे में जानेंगे कि कुछ के बच्चों के विषय के लिए बारे में क्या बता रहे हैं, कुछ कैसे क्या है। आजकल की जो जनरेशन हमारी है, जो रामलीला या हमारी संस्कृति को बच्चे भूलते चले जा रहे हैं, इसके विषय हम जानेंगे। हमारे साथ में जुड़ चुका है पार्षद जी। जी नमस्कार कमलेश्वर जी। नमस्कार सर जी, ये बताइए आजकल बच्चों के लिए आप ये अभी आपने आयोजन किया रामलीला मैदान का, आप यहाँ देख रहे हैं बच्चे, काफ़ी बच्चे भी हैं, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? संदेश मैं सबसे पहले इस नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं सबको देता हूँ। और ये आज जो मेला हो रहा है, रामलीला हो रही है इस नवरात्र के उपलक्ष्य में, ये संस्कार समिति करा रही है। संस्कार समिति में हम भी सदस्य हैं और संस्कार समिति ये तीसरा रामलीला करा रही है। ये रामकथा मैदान है सेक्टर जे रेल नगर लखनऊ का, लेकिन दुर्भाग्य से ये नगर निगम जमीन होते हुए भी LDA ने चिरंजीव भारती स्कूल के लिए अलाट कर दिया है। और ये अब हमें बड़ा दुख है और कष्ट है कि ये रामलीला यहाँ पर अभी खाली ज़मीन में हो रहा है, तीसरी बार हो रही है, परंतु जब यहाँ पर निर्माण कार्य हो जाएगा तो हम लोग से ये संस्कार समिति रामलीला कहाँ पे करेगी, ये सोच का विषय है, इस बात की चिंता है हमें। इसके लिए मैंने माननीय मंत्री स्वाति सिंह से भी कहा है, माननीय महापौर जी से भी निवेदन किया है, और अभी हमारे जो कैंट विधानसभा के विधायक हैं माननीय सुरेश तिवारी जी, उनसे भी हमने कहा है, उन्होंने कहा है कि इस जगह को हम रामकथा के लिए, रामलीला के लिए छुड़वाएंगे। अब देखिए कहां तक क्या हो पाता है। और इस रामलीला का जो श्रेय जाता है संस्कार समिति में PK सिंह, आर्मी से BRS लेकर के और परिवार की सेवा में लगे हुए हैं, और इस रामलीला की प्रेरणा उनके द्वारा हुई है। इसमें सभी सदस्य सक्रिय हैं और तन मन धन से इसमें लगे हुए रामलीला कराते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। मैं इसके लिए संस्कार समिति के सदस्यों को PK सिंह, लक्की वर्मा और पवन वर्मा, पिंटू सिंह, गुड्डू पंडित, विकास पटेल और आशीष शुक्ला जी, और हमारे जो भीष्म पितामह हैं CO से रिटायर्ड बुजुर्ग जालिम सिंह तथा चतुर्वेदी जी और अध्यक्ष सुनील वर्मा जी, अमित अग्रवाल जी,
तथा सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इनकी जितनी सराहना। राजशेखर सर, आप यहाँ रामलीला देखने आए थे कि मेला घूमने आए? ये दोनों देखने आए थे। मेला रामलीला इस मैदान में हमेशा होते रहता है और जानी रहे कोरोना टाइम चल रहा है, उसी में जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, हम मास्क पास है लेकिन मास्क आदमी थोड़ा वो करके और अच्छा है। आपने रामलीला देखी सर, कैसी लगी? रामलीला का आयोजन हुआ है और बहुत बढ़िया हुआ है यहाँ पे और वो भी अच्छा है, धार्मिक चीज़ें दशहरा अपने होते ही रहता है। आइए हम देखते हैं मैडम से पूछते हैं। मैम एक सेकंड जरा आप एक सेकंड। मैम आप यहाँ रामलीला देख रहे हैं कि मेला घूमने के लिए कुछ बताएंगे? अरे मेला देखा जा रहा है और क्या देख रहा है? रामलीला नहीं देखा आपने? रामलीला नहीं देखा? देखे कल, देखे रहे कल। जी आइए भैया, कट मारो। आप यहाँ सर क्या देखना, रामलीला क्या कैसे क्या घूम रहे हैं आप यहाँ? देखो मेन तो बच्चे का था, अभी 8-9 दिन का व्रत तो सारा कुछ, अब कोरोना के बाद थोड़ा सा ये आज़ादी मिली है तो यहाँ मेला वगैरह और सर्कस देखने मेन आए थे। तो मेन सर्कस देखने आए, यानी कि रामलीला आपने नहीं देखी? नहीं रामलीला देखी, अब यहाँ पता नहीं था कि रामलीला यहाँ पे लगती है जी। अब आज पता चला मुझे रामलीला, तो रामलीला मैंने देखी अभी। तो आपको कैसा लगा था? नहीं रामलीला तो बहुत अच्छी। आप अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ बच्चों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो लोग भी इन संस्कारों को जानें कि क्या रामलीला होती क्या नहीं। आजकल अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं, कुछ समझ ही नहीं रहे उस चीज़ों को, उन चीज़ों को समझें कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा संस्कृत क्या है। संस्कृत समझना चाहिए, मेन तो हम यही समझाएंगे बच्चों को। लेकिन आजकल देखा जाए कि बच्चों का कुछ मालूम नहीं होता है कि क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं ये नहीं। बच्चों को मेन तो समझना चाहिए, बच्चे समझ ही नहीं रहे उस चीज़ को। तो लेकिन इसको समझाना पड़ेगा, हम लोगों को समझाना पड़ेगा, मेन हम लोग हैं। अगर हम लोग ही नहीं समझाएंगे, हर आदमी तो इंग्लिश माध्यम करता है, वो समझने को ना समझाने की कोशिश करता ना समझने की कोशिश करता, दोनों चीज़ें। अगर अब हमको समझाना पड़ेगा, मेन तो यही है कि हमारी परंपराएं जाने कि हम रहते कहाँ हैं, क्या करते, क्या है हमारा इतिहास, किस तरीके से लोग रहे हैं, तो उसी तरीके से वो लोग भी बनेंगे आगे। इसीलिए तो लोग बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो माँ बाप नहीं समझ रहे, समझना चाहिए, मेन तो यही है। आपके बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को तो हम यही संदेश देंगे कि वो अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपने हिंदुस्तान को जरूर जानें। अगर वो जानेंगे नहीं, आगे बढ़ भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। पढ़ना है तो अपने को जानिए, अपने को जानना है तो संस्कृत को जानिए, संस्कृत को जानना है तो इतिहास को जानिए। जब तक इन चीज़ों को नहीं जानेंगे, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। पैसा आ जाएगा, खा लोगे पी लोगे, मगर वो चीज़ नहीं आई जो ज़िंदगी जीते हैं लोग और जिए हैं, वो नहीं जी पाएगा।